जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए। देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, लेकिन बिहार में बवाल मचा है। अंबेडकर जयंती के ठीक पहले वैशाली जिले के लालगंज में दलित नेता की हत्या करने के बाद भारी बवाल दिखा है, जिसके कारण प्रशासन शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। बिहार में जंगल राज है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा के चिराग पासवान ने कहा है। वैशाली जिले के लालगंज में दलित नेता राकेश पासवान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देने के बाद इसकी चीख पुकार राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा रही है। बड़े बड़े राजनेता, दलित सेना राष्ट्रीय सचिव राकेश पासवान के घर पर पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को चिराग पासवान भी पहुंचे। लालगंज के पचदमिया में कल देर रात दलित सेना के नेता राकेश पासवान को कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। दृश्य इतना हृदय विदारक था कि देखने वाले का रूह कांप जाए। अंबेडकर जयंती और शोभा यात्रा की तैयारियों में जुटे दलित नेता की हत्या के बाद लालगंज में भारी बवाल मचा है और परिजनों से मिलने लोजपा नेता चिराग पासवान पहुंच गए हैं। परिवार की चीख पुकार के बीच राकेश पासवान के परिजन और उनका बेटा चिराग से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ा। चिराग बम के आग बबूला हुए और नीतीश कुमार पर करारा अटैक किया है। चिराग ने नीतीश की सरकार को जंगल राज पार्ट 2 बताते हुए दिल्ली दौरे पर जहां नीतीश कुमार गए हुए हैं उसको एक मजाक बता दिया है। चिराग पासवान दलितों की हत्याओं पर आग बबूला दिखे और कहा कि जब तक नीतीश कुमार कुर्सी से नहीं हटेंगे इन हत्याओं को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकेगी। चिराग ने इस हत्या की जांच सीबीआई से करने की भी मांग की है। सुनिए क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। उन्होंने मजाक बना दिया कानून व्यवस्था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास दिल्ली भ्रमण की फुर्सत है, बिहार जल रहा है, बिहारी मर रहे हैं, यहाँ पर आकर देखने की फुर्सत नहीं है। कहीं किसी एक परिवार से मिलने जितनी जगह हत्या हुई है, बड़े बड़े वादे ये करते हैं कोई दलित मरेगा तो हम सरकारी नौकरी देंगे। क्यों नहीं जाते किसी के यहाँ? जाइएगा नहीं तो कैसे डर बैठेगा भाई अपराधियों में? कब तक बिहारी मरता रहेगा भाई? और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनना है? जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए, आज बिहारी मर रहा और ये घूम रहे दिल्ली भ्रमण में निकले हुए, दर्शाता है भैया इनसे बिहार नहीं संभलने वाला। और जब तक हम लोग मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता की कुर्सी से बेदखल नहीं करेंगे, चैन से तो हम लोग भी नहीं बैठेंगे। सही मायनों में अगर इन हत्याओं का अगर सही मायनों में अगर श्रद्धांजलि है ना, तो उनकी कुर्सी से हटना है। उनके संरक्षण में क्या कर रहे थे यहाँ के थाना के लोग, क्या कर रहे थे प्रशासन यहाँ पर? जो नहीं उसको जानकारी थी कि इस तरीके की साजिश रची जा रही है, दरवाजे पर आकर गोली मार के जा रहा है, और वो भी कितनी निडरता है कि दिन दहाड़े आके गोली मार रहा दरवाजे पर, ये भी नहीं कि रात के अंधेरे में छुप के सामने से आके पहुंच चुके गोली मार के जा रहा है। ये प्रशासन है इन लोगों का, इस दिन में और उस दिन में क्या फर्क है भैया? लक्ष्मणपुर बाते में भी तो ऐसे ही दलितों को चिन्हित करके गोली मार दी गई थी ना, एक के बाद एक कितने नरसंहार हुए थे। ये नरसंहार नहीं है हाँ? अगर यहाँ पे दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, ये नरसंहार नहीं है भाई? हम लोग तो मांग करेंगे, हम तो लिख के भी देंगे कि सीबीआई की जांच हो, बिहार सरकार पे नहीं भरोसा। लालगंज में दलित नेता राकेश पासवान की मौत की हर खबर से अपडेट के लिए हम आपको लगातार दे रहे हैं, लगातार ग्राउंड से भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कब कहां क्या हो रहा है। इसके लिए प्रकाशवाणी को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और अपने परिचितों के साथ इसको जबरदस्त शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी।